जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर तगड़ी चोट, अवंतीपुरा एनकाउंटर में दो आतंकवादी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। टीवी एक्ट्रेस आमरीन भट्ट की हत्या में शामिल थे दोनों आतंकी। 25 मई को बडगांव में आतंकियों ने बनाया था आमरीन को निशाना। दोनों आतंकियों की हुई पहचान, लश्कर के कमांडर लतीफ के निर्देश पर बडगांव के शाहिद मुश्ताक भट्ट और पुलवामा के फरहान ने आमरीन की हत्या की। आतंकियों के पास से एक AK-56 राइफल और चार मैगजीन बरामद। श्रीनगर में भी आतंकियों के साथ पुलिस का एनकाउंटर, लश्कर के दो आतंकी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर बड़ी कार्रवाई, सुरक्षा बल ने 3 दिनों में 10 आतंकी ढेर किए। जम्मू कश्मीर में पिछले 3 दिनों में जैश ए मोहम्मद के 3 और लश्कर ए तैयबा के 7 आतंकी मारे गए। पिछले 3 दिन में 10 टेररिस्ट मारे गए, जिसमें 3 जैश मोहम्मद का है और 7 लश्कर तैयबा का है। पालघर में भीषण सड़क हादसा, 25 फीट गहरी खाई में गिरी बस, 15 लोग घायल, अस्पताल में भर्ती। ड्राइवर के संतुलन खोने से हुआ हादसा, यात्रियों को बस से निकालने में छूटा पसीना, रस्सी के सहारे खाई में उतरे लोग। वाराणसी में विवादों के बीच आज ज्ञानवापी मस्जिद में पढ़ी जाएगी जुमे की नमाज। मस्जिद कमेटी ने कम से कम नमाजियों के आने की अपील की। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष का आरोप, शिवलिंग के साथ की गई छेड़छाड़, शिवलिंग में 63 सेंटीमीटर किया गया छेद। ज्ञानवापी विवाद पर वाराणसी में बड़ी सुनवाई की तारीख, सोमवार को होगी हिंदू मुस्लिम पक्ष में जिरह। कल करीब 2 घंटे तक मुस्लिम पक्ष ने अदालत के सामने रखी अपनी बात, लेकिन पूरी नहीं हो पाई दलील। मुस्लिम पक्ष ने कहा शिवलिंग को लेकर फैलाई जा रही अफवाह। ज्ञानवापी विवाद में खुलकर कूदा कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन PFI, किसी भी कार्रवाई के विरोध का किया ऐलान। बीजेपी सरकारों पर मुसलमानों को निशाना बनाने का लगाया आरोप। मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में कल हुई अहम सुनवाई, जन्मभूमि ट्रस्ट ने कोर्ट को सौंपे जमीन के मालिकाना हक के दस्तावेज। श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद 1968 के समझौते की दी गई है चुनौती, तब मस्जिद बने रहने का हुआ था फैसला। तेलंगाना के बीजेपी अध्यक्ष ने सुद्दीन ओवैसी को दी चुनौती, कहा राज्य के एक मस्जिद खोदने की मिले इजाजत, शिवलिंग निकला तो हिंदुओं का होगा मालिकाना हक। यूपी के देवबंद में जमीयत उलेमा हिंद के जलसे से पहले विवाद, 28 मई से शुरू होने वाले आयोजन पर बजरंग दल ने उठाए सवाल। यूपी में किन्नर बोर्ड की उपाध्यक्ष दर्जा प्राप्त मंत्री सोनम किन्नर बोली पद से दूंगी इस्तीफा। बरेली विकास प्राधिकरण पर गरीबों के घर पर बुलडोजर चलाने का आरोप। लंदन में हिंदी की मशहूर लेखिका गीतांजलि श्री ने जीता बुकर अवार्ड, 3 दशक से लेखन में है सक्रिय, बुकर में 2008 के बाद जारी सूखा खत्म। गीतांजलि श्री भारतीय भाषा में बुकर अवार्ड जीतने वाली पहली लेखिका। गीतांजलि श्री को ये प्रतिष्ठित पुरस्कार अपने मूल उपन्यास के लिए नहीं बल्कि इसके अंग्रेजी अनुवाद के लिए मिला। गीतांजलि श्री के मूल उपन्यास का नाम है रेत की समाधि, इसका अंग्रेजी अनुवाद डेजी रॉकविल ने किया। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में जन्मी गीतांजलि ने बुकर पुरस्कार हासिल करते हुए कहा कभी सोचा नहीं था। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने धूम मानिकपुर गांव में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चलाया अभियान, 4 कॉलोनियों को प्राधिकरण ने किया जमीन दोस्त। राजस्थान के हनुमानगढ़ में गहलोत सरकार का अतिक्रमण के खिलाफ हल्ला बोल, आशियाना छिनने पर महिलाओं ने कहा बेवजह कर रहे हैं परेशान। MP के अमरकंटक में प्राचीन काली मंदिर परिसर में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, करोड़ों की जमीन पर बना था मौली सरकार का अवैध आश्रय। ग्रेटर नोएडा के जेवर थाना इलाके में कलेक्शन एजेंट से 3.5 लाख की लूट। दिल्ली में पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर केस का किया खुलासा, प्रेम प्रसंग में पति की हत्या मामले में कॉन्ट्रैक्ट किलर समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। तेलंगाना में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंदी संजय कुमार ने विवादित बयान का मुद्दा गरमाया, मुस्लिम संगठन ने FIR दर्ज करने की मांग की। बीजेपी नेता बंदी संजय कुमार ने कहा था तेलंगाना में बीजेपी सरकार बनने पर आएगा रामराज, मदरसों और उर्दू भाषा पर होगा प्रतिबंध। भारत में आज हो रहा है सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव का उद्घाटन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, कई मंत्री भी मौजूद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नेवी अफसरों के साथ योग सत्र में लिया हिस्सा, कर्नाटक में करवार बीच पर योग शिविर का था आयोजन। बागपत में एक महिला ने अपनी 2 बेटियों के साथ जहर पीकर की खुदकुशी, गांव वालों का आरोप, एक केस में गिरफ्तारी और बदनामी के डर में पिया जहर। अलीगढ़ में डबल मर्डर, ज्वेलर्स के घर में लूट के इरादे से घुसे बदमाश, उनका विरोध करने पर मां बेटे की बेरहमी से हत्या, धारदार हथियार बरामद।
ग्रेटर नोएडा में नकली नमक बनाने वाली कंपनी का पर्दाफाश, नामी कंपनी के नकली रैपर का करते थे इस्तेमाल, 600 क्विंटल नकली नमक के साथ रैपर बरामद। दिल्ली के रानीबाग इलाके में इलेक्ट्रॉनिक शॉप में लूट का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, 23 मई को 40 लाख की हुई थी लूट। अमृतसर के शेहरटा इलाके में ऑटो चालक से मारपीट, पहले से चल रहा था विवाद, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। यूपी के मेरठ में पुलिस ऑफिसर पर खुदकुशी करने पहुंची महिला का हंगामा, लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी महिला ने प्रेमी पर लगाया धोखा देने का आरोप। सीतापुर में थाने के अंदर एक बुजुर्ग की संदिग्ध मौत, तहरीर देने आया बुजुर्ग थाना अध्यक्ष के कमरे में बेहोश मिला। बिहार के बेगूसराय में पीसीआर वैन में ट्रक ने मारी टक्कर, एक हवलदार की मौके पर मौत, दो महिला सिपाही और ड्राइवर घायल। हरियाणा के सिरसा में सेल्फी लेने के चक्कर में गई जान, मालगाड़ी के ऊपर चढ़कर सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था लड़का, हाई वोल्टेज लाइन की चपेट में आने से मौत। मध्य प्रदेश के भिंड में नशे में धुत लोगों ने वारंट तामील कराने जा रहे सिपाही के साथ की मारपीट, इटावा रोड पर काली माता मंदिर के पास का मामला। मध्य प्रदेश के भिंड में कलेक्ट्रेट में 5 घंटे तक हंगामा, गौरी सरोवर के किनारे लगे पेड़ों के काटे जाने के खिलाफ ज्ञापन नहीं लेने का विरोध। एमपी के ग्वालियर में शिवराज सरकार में ऊर्जा मंत्री को खराब सड़क देखकर आया गुस्सा, जूते उतारकर उखड़ी सड़क पर नंगे पैर चले। बिहार के जमुई की वायरल गर्ल सीमा कुमारी के घर पहुंचे विज्ञान मंत्री सुमित कुमार सिंह, दिव्यांग छात्रों को दिया हर संभव मदद का भरोसा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 3 दिन तक चलने वाले नेशनल सेमिनार और प्रदर्शनी का किया शुभारंभ। उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने राज ठाकरे के अयोध्या दौरे पर कहा, उत्तर भारतीयों से मांगे माफी, उसके बाद करें दर्शन। हरियाणा के अंबाला में गृह मंत्री अनिल विज ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाली गाड़ियों पर की कार्रवाई, ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश। शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग में लिया हिस्सा। हिमाचल प्रदेश में पीएम मोदी दौरे से पहले तैयारियां तेज, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ की मीटिंग। राजस्थान के झालावाड़ में कांग्रेस नेता सुरेश गुर्जर के समर्थकों का हंगामा, खानपुर थाने के बाहर तैनात पुलिस बल पर किया पथराव। कांग्रेस नेता सुरेश गुर्जर के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में दर्ज है मामला, समर्थक है नाराज। पंजाब के जलंधर में गन्ना किसानों और वित्त मंत्री हरपाल चीमा के बीच बकाया भुगतान को लेकर मीटिंग, सरकार के भरोसे के बाद फिलहाल मान गए हैं किसान। पंजाब के पूर्व मंत्री और कपूरथला के विधायक राणा गुरजीत सिंह का कैप्टन अमरिंदर सिंह पर हमला, पूछा भ्रष्ट मंत्रियों की लिस्ट है तो क्यों नहीं सौंपी गई। सुप्रीम कोर्ट ने वेश्यावृत्ति को दिया पेशे का दर्जा, पश्चिम बंगाल के आसनसोल में सेक्स वर्कर्स ने फैसले का स्वागत किया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से गाइडलाइन जारी की, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी जताई खुशी। पश्चिम बंगाल के हुगली में 18 महीने के बच्चे ने बनाया अनोखा रिकॉर्ड, ग्लोब देखकर बताता है कई देशों के नाम, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज। लखनऊ के गार्डन पार्क में एसआई भर्ती प्रक्रिया मामले में धांधली का आरोप लगाने वाले अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी। गुवाहाटी में इंटरनेशनल ड्रग नेटवर्क का भंडाफोड़, 30,000 कफ सिरप की बोतलों के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। दवा तस्करों के पास से 12 करोड़ रुपए की कीमत की नकली दवाएं बरामद, बांग्लादेश से तार जुड़े होने की आशंका। मुंबई के सांता क्रूज लिंक रोड पर कंक्रीट से लदा ट्रक हादसे का शिकार, ड्राइवर घायल, पुल पर चढ़ने को लेकर हुआ था कंफ्यूजन। यूपी के बुलंदशहर में लव जिहाद और धन परिवर्तन का मामला आया सामने, पति ने बच्चा होने के बाद महिला को घर से निकाला, कार्रवाई की मांग। अलीगढ़ में 45 लाख रुपए के लिए बेटी और उसके पति पर लगा मां और भाई की हत्या का आरोप, पिता की जगह नौकरी के लालच में हत्या की आशंका। अयोध्या में जिला प्रशासन ने शहर में ट्रैफिक समस्या से निपटने के लिए पुलिस और व्यापारियों के साथ की बैठक। केरल के तिरुवनंतपुरम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नेशनल वुमेन लेजिस्लेटर कॉन्फ्रेंस का किया उद्घाटन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी हुए शामिल। चंडीगढ़ में पंजाब के पीडब्ल्यूडी मंत्री हरभजन सिंह ने 22 नए एसडीओ को सौंपा अपॉइंटमेंट लेटर। दिल्ली के राजपुर खुर्द इलाके में एक घर के अंदर हुआ जोरदार धमाका, शुरुआती जांच में पीएनजी गैस पाइपलाइन में लीकेज हादसे की वजह।